नमस्कार, मैं मोहिना कुमारी सिंह, श्री सतपाल जी महाराज की बहू। आप सभी चौबट्टा खाल वासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। चौबट्टा खाल महाराज जी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, यह उनका घर है और यहाँ रहने वाले लोग उनके परिवार समान हैं और उनके हर कार्यों में ये भाव नजर आता है। जब हम 14 फरवरी को वोट देने जाएं, मतदान करने जाएं, तो हम याद रखें कि ऐसे कर्मठ और ऐसे ईमानदार नेता को अगर हम सत्ता देंगे तो उस सत्ता का वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो अपने लोगों के लिए विकास के कार्य करेंगे। महाराज जी ने हमेशा निस्वार्थ भाव से चौबट्टा खाल के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए काम किया है। जैसे कि सतपुली झील और सियोसी झील जब बनके तैयार हो जाएंगे तो मिनी नैनीताल की तरह होंगे और उससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। लिफ्ट सिंचाई योजनाएं हैं जो किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएंगी और ढेर सारी पंपिंग पेयजल योजनाएं हैं जो हमारे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार लाएगी और लोगों तक जल पहुंचाएगी। जिस तरह मोदी जी ने इस देश को बांध कर रखा हुआ है, इस देश को एक नई पहचान दिलाई है विश्व में, उसी तरह महाराज जी भी हमेशा चौबट्टा खाल के लिए, उत्तराखंड के लिए काम करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो कमल के बटन को दबाएं और महाराज जी के कार्यों को आगे बढ़ाएं और मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाएं और भाजपा सरकार को भारी मतों से जिताएं और इस देश को और मजबूत बनाएं। आप सबसे यही निवेदन है कि सोच समझकर 14 फरवरी को अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।